यादव साहब गोरखपुर वाले आज हमारे साथ हैं। यादव साहब, आपकी जो लाइफ की कहानी है ना, बताओ क्या कहानी है। कहानी है मेरी यही है लाइफ के, जहाँ मैं शादी करने चाहता था वहाँ मेरी भाभी नहीं करने दिया। झगड़ा लड़ाई हुआ घर में, मैं पैसा 1600 रुपया चोरी करके बाकस में से बच्चा बेची थी, माँ बाकस में से निकाल के भाग गया। आ गया, हम अपने दोस्त लोग रहते हैं फगवाड़े में, उन लोग के साथ फैक्ट्री में आके काम करने लगा। अच्छा, आप अपने घर से भाग के फगवाड़ा आ गए, वहाँ फैक्ट्री में काम। हाँ, उन लोग के साथ आया, गाँव वालों के साथ भाग के। तो आपको वो लड़की पसंद नहीं थी या क्या? नहीं, पसंद थी। फिर मेरे को भाभी नहीं करने दिया शादी को, भाभी ने काट दिया। जो उससे नहीं करके हम जो कहते वही होगा, इसलिए हम घर छोड़ दिया। साहब जी, लक्ष्मी जल ये साफ साफ बोल दिया आपसे, और लड़की से शादी नहीं हुआ। मैं छोड़ के घर द्वार, धन दौलत, गाय भैंस, कोठा बाड़ी जो भी है छोड़ दिया, हम त्याग दिया। फिर हम काम करने लगा, खाने लगा, कमाने लगा। कमाते खाते बहुत दिन हो गया। फिर मैं एक बार घर गया था, फिर पैर पकड़ गए, भाभी ने हमको बनाई, ये मान जाओ, कोई बात नहीं, जहाँ कहती वहीं कर लो, हम बार नहीं करूँगा, जब करूँगा तो उसी से करूँगा, मेरा ये दिया है। फिर किया क्यों नहीं उससे? उससे नहीं, जिसको हमें तय किया था उससे नहीं करने दे रही थी ना, वो कह रही थी हमारे नैहर में करो शादी, हमारे परिवार में। बाद में तो मान गई थी कि जिससे करना कर लो। नहीं, अच्छा, फिर भी नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी। फिर हम चल दिया घर से, फिर दोबारा का रहने लगा, परमानेंट रहने लगा। यही बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी। तो आपको इश्क था उस लड़की से? हाँ। कैसे 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 मिले आप उसको? हम लोग समझ आगे देखे, बताओ कैसे मिले? कॉलेज में मिले। आप भी पढ़ते? हाँ, दोनों पढ़ने जाते थे। तो आप दोनों को प्यार था आपस में? हाँ, पक्का प्यार था, पक्का। दोनों पार हम लोग बात कर लिए थे, जब तुम करी तो हम तेरे से करूँगा, वो कही जब हम आप ही से करूँगी शादी, पक्का प्यार हो गया था। फिर तो आप जब अकेले वहाँ से आए तो उसको भी ले आते? नहीं। अरे बाप, उसको भाई पुलिस वाला है दो। अच्छा। अरे बाप, तुरंत मार देगा गोली, ये बात हुई थी ना, पुलिस में रहते हैं यहाँ जम्मू में। तो अभी उनकी शादी हो गई? हो गई, चली गई, वो तो बाल बच्चेदार हो गई बेचारी। नहीं, उनका नाम नहीं पूछेंगे, बदनाम हो जाएंगे वो ना। इश्क नहीं मारा है आपको? तो आपको मारा, तो मारा। उसके बाद फिर शादी नहीं करी? नहीं करी। हाँ, बिल्कुल नहीं, किसी से भी? किसी से भी नहीं, तत नहीं किया हमने, दोबारा प्यार ही नहीं हुआ ना किसी से, ताका नहीं उलट के। उसी पर हमारा प्यार था, उसी पर हमारा इंतजाम था, जाम था, बस। और वही थी हमारा, वहीं पे प्यार खत्म, बस वहीं पर काम ने खत्म कर दिया। तो चलो, उसके बाद फिर आपने काम शुरू किया फगवाड़ा में आके। हाँ। फिर उसके बाद फगवाड़ा में सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ, पैसे पुसे भी कमाए। हाँ, आपने। हाँ, हाँ। फिर यहाँ कैसे आ गए आप, क्या हुआ आपके साथ? ए, हमारा थोड़ा ये प्रॉब्लम था पैर के। अच्छा, बैठो बैठो बैठो, नहीं एक मिनट दिखा दूं, ये जो टूट गया था, ये हड्डी निकल गया था मेरा। ओहो। मैं गिर गया था, ये हड्डी निकल गई थी मोटा वाली। हाँ। 3 मंजिल से गिर गया था मैं, पूरा ये सब ऑपरेशन में देख लिए। 3 मंजिल से गिर गया था? हाँ, 3 मंजिल से ये प्रॉब्लम पड़ी। फिर हमने कहा जी क्या जाऊँ घर, अब तो बेकार हो गए शरीर, क्या जाना है, इसलिए हमने तेज दिया घर द्वार। बैठो। ओहो, बहुत बुरा हुआ जी। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, खाना पीना है, सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, चावल बनाता हूँ, सबको चाय पिलाता हूँ, क्या बात, चावल बनाता हूँ, सब्जी सुब्जी बना लेता हूँ। यहाँ के लांगड़ी आप है मतलब? नहीं, लांगड़ी दूसरा है। अच्छा। हम ऐसे कर देता हूँ यहाँ रहने के वजह से। हाँ ठीक है, जहाँ पे रहना वहाँ करना पड़ेगा। कहा जाए बैठ के क्या करूँ, बहुत अच्छी थोड़ा बहुत हिलते रहो, चलते रहो। अब मुझे लगता है कि आप यहीं पे रहोगे बाप है ना? हाँ, चल जाएंगे कुछ दिन में, जाएंगे फगवाड़ा जाऊँगा, थोड़ा दो चार दिन घूम के आऊँगा। अच्छा। हाँ, आते जाते रहता हूँ मैं, जाता हूँ वहाँ। हाँ, तो फैक्ट्री जाता हूँ। अच्छा। पेप्सी फैक्ट्री है, पेप्सी बनती है, नीम का, कोक, माजा, सारी बनता है उसमें। तो यहाँ लेके आना फिर अगली बार आके। सबके लिए लेके आना। क्या कहते हैं साहब, पेटी दे दूंगा, ऐसा बात क्या है? अरे वाह, क्या बात है, हमारे बंदे बहुत तगड़े तगड़े हैं। ऐसा है, अब तो आपका प्रेम मीन से हो जाना चाहिए सबको, है ना, सारी से सबसे है। बहुत अच्छी बात है, सबसे एक प्रेम है हमारा। अच्छा, सरदार जी के लिए क्या दुआ करते हो आप? यही कहता हूँ, भगवान तो सही सलामत रखो पूरे परिवार के, उनको पीछे हम लोग फुलाए फले और खाना पीना चले अच्छा से, हम लोग का सरदार जी का खुश एकदम, भगवान
गुलाब को फूल तरह फुला कर रखो। बहुत अच्छी बात। नहीं वैसे सरदार जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। दवाई है, कुछ भी है, खाना पीना है, सब ध्यान रखते हैं। सफाई बहुत इसमें ना, सफाई सफाई करते हैं। मैं धुलाई करता हूँ, क्या बात, बाथरूम एयरूम सब पाइप धुलाई करता हूँ, तभी इतना साफ है ना। देखो इतना भी बदबू नहीं आ रहा, सब नहीं आएगा, सबका बिस्तर बिल्कुल साफ है, इस्तेमाल नहीं आएगा आपको। हम करता हूँ ना अपने हाथ से, तब तसल्ली होता है।